गाइज आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो कि मैंने तो कभी नहीं देखा है। तो बेसिकली ये एक डिवाइस वीपीएन है जो कि काम तो वीपीएन वाला ही करता है, लेकिन एक डिवाइस को आप लोग कनेक्ट करोगे अपने कंप्यूटर में, उसके बाद ये वीपीएन की तरह काम करेगा। क्या इसके फायदे हैं, क्यों आप इसको इस्तेमाल करना चाहोगे, वीपीएन से किस तरह से अलग है, ये मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वैसे अनबॉक्सिंग करते हैं इस डीपर नेटवर्क एयर की। काफी प्रीमियम पैकेजिंग है इसकी, अगर सिर्फ पैकेजिंग की मैं बात करूँ तो। और इसमें मैग्नेटिक फ्लैप ओपनर मिलता है, बोलते हैं इसके ऊपर यहाँ पर एक QR कोड दिया हुआ है, और डीपर कनेक्ट एयर की सेटअप गाइड अगर आप इसको फोन से स्कैन कर दें तो आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो आपको डिवाइस मिलता है और मिलता है आपको USB-C to USB-3 कनेक्टर। इसकी दोनों डंडियों को मैंने ऊपर कर दिया क्योंकि इसको एक्चुअली में वाईफाई बनना है, तो फिर इसकी डंडियों को ऊपर करना तो बनता है यार। अब सिंपली आपको करना क्या है कि वो जो कनेक्टर दिख रहा है ना, ये टुल्लू, इसको निकाल के बस लगाना है इसको, और फिर सीधा लगाना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोगो लगा हुआ है ना, ये ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो घुसेगा नहीं आपके पोर्ट में। और बस इसको घुसेड़ दो पोर्ट में, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे डालेगा पोर्ट में। तो यार दिखने में काफी सही लग रहा है यार ये मुझे। तो बस इसको अपने यूएसबी पोर्ट में लगा दो, मतलब लैपटॉप के। एक प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिली यार, अगर दूसरा यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है ना तो ये लगने में थोड़ी सी दिक्कत देता है, लेकिन मैं क्या करूंगा ना, अपना जो दूसरा वाला यूएसबी पोर्ट है उसको निकाल के लगा दूंगा इसको। तो अगर आपके लैपटॉप के पोर्ट्स करीब करीब है तो हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, बट आई थिंक दैट शुड बी फाइन यार। मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं आजकल लैपटॉप में, अगर लोग डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो पोर्टों का भंडार होता है पीछे उसके, तो ये चीज आप लोगों को शायद ही दिक्कत देगी। तो चलो यार अब कनेक्ट कर देते हैं इसको जल्दी से लैपटॉप में। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूंगा और आप लोगों को इसके इंटरफेस को दिखाऊंगा कैसा है। अब वीपीएन में क्या होता है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है बार बार, लेकिन अगर आपने ये डीपर नेटवर्क का डिवाइस वीपीएन खरीद लिया तो आप इसको प्लग करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर एंड यू आर गुड टू गो। आप कहीं पर भी हो आपका वीपीएन काम करेगा। वीपीएन में कई तरह की स्पीड लिमिटेशन हमें मिलती है, लेकिन जो डीपीएन है वो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर देता है। उसी के साथ साथ इस डिवाइस को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो एक वाईफाई राउटर की तरह, यानी कि आप लोग इससे अपने और डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने इसको पावर दे दिया, आप अपने चार्जर में इसको प्लग करके किसी भी दीवार के सॉकेट में लगा दो और आप इसको फिर इस्तेमाल कर पाओगे एज अ वाईफाई राउटर। एंड अगर आपने इसको अपने कंप्यूटर में लगाया तो वो इसमें लैन कनेक्शन भी देगा। तो यार जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये डिवाइस दिखने में तो काफी प्रीमियम लगता है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इस तरह के डिवाइस को पहली बार देख रहा हूँ और मैंने पहली बार इस्तेमाल किया और इसको हाथ में लेके इतनी प्रीमियम फील आती है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और जब आप इसको लगाते हो अपने कंप्यूटर में तो इसके जो वाईफाई सिग्नल्स हैं, ये इतना छोटा सा डिवाइस है उसके बावजूद भी इसके जो वाईफाई सिग्नल्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि मैंने इसको जब अपने कंप्यूटर में कनेक्ट किया था तो मैं अराउंड अपने घर में वॉल्स पार करके 10-20 मीटर दूर तक भी बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पा रहा था इस डिवाइस से। तो यार बिल्ड तो इसकी काफी बढ़िया, मतलब इतने छोटे डिवाइस में इतनी अच्छी रेंज इन्होंने पैक करके दी है कि मजा ही आ गया। अब प्रोलॉन्ग यूज के साथ किसी भी तरह का राउटर जो है वो हीट अप तो करता है, लेकिन इस डिवाइस के अंदर जो हीट मैनेजमेंट है वो काफी बढ़िया है। मतलब ये गर्म तो होता है लेकिन इसकी बॉडी एल्यूमिनियम की बनी हुई है, जिसकी वजह से इसमें हीट मैनेजमेंट काफी बढ़िया लगा मुझे। इसकी बैक साइड में आप लोगों को इसकी एडमिन आईपी देखने को मिल जाती है और इस आईपी से कनेक्ट करके हम लोग इसके ब्राउजर इंटरफेस में जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा कि यार मैंने तो इस तरह के डिवाइस को पहली बार हाथ में लिया, तो मेरे क्या ओपिनियंस है, क्या मैं इसको प्रोलॉन्ग यूज करूंगा, या किन सिनेरियो में इसको आप एक्चुअल में यूज करना चाहेंगे, मतलब व्हेन शुड यू एक्चुअली ओन सच अ डिवाइस। सबसे पहले बात करते हैं कि वीपीएन क्या होता है। वीपीएन एक टेक्नोलॉजी है, स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके अपने आप को प्राइवेट ब्राउजिंग जोन में डाल सकते हो, यानी कि आप लोग अगर चाहते हो कि आप जो ब्राउज कर रहे हो वो ज्यादा ट्रैक नहीं किया जा सके तो आप वीपीएन से कनेक्ट करते हो, और आपका जो ट्रैफिक है वो फिर वीपीएन से जाकर रूट होता है और जो पैकेट्स हैं वो वापस आपके पास आते हैं। यानी कि आप जो ब्राउज कर रहे हो वो एकदम एनोनिमाइज्ड ब्राउजिंग कर रहे हो, आप एक एनोनिमस हो। या आपके इंटरनेट कनेक्शन को इनक्रिप्ट करती है जिससे कि आपको थर्ड पार्टीज बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करती है, या फिर कह लो कि थर्ड पार्टीज के लिए ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यूज केस ये होता है कि आप किसी भी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो तो आप चाहोगे कि आपको ट्रैक ना किया जाए, एक्सीडेंटली आप अपनी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना दे बैठे जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर है या फिर जिससे कि आप लोगों को बर्बाद किया जा सकता है, जैसे कि बैंक अकाउंट का पासवर्ड या ओटीपी। तो वीपीएन को यूज करना अच्छा भी होता है, मतलब वीपीएन को काफी एक बैड लाइट में दिखाया जाता है, नेगेटिव वे में दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में वीपीएन को कभी कभी यूज करना अच्छा भी होता है जब आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो। एंड सेम गोज फॉर दिस डिवाइस ऑल्सो। अब अगर आप लोग अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो, आप चाहते हो कि आपको स्पीड अच्छी मिले किसी भी तरह के पब्लिक वाईफाई में रहते हुए, आप लोग कुछ सर्टेन फीचर्स जो कि मैं आप लोगों को इसके एडमिन डैशबोर्ड से कनेक्ट करके दिखाने वाला हूं वो यूज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू शुड बाय वन ऑफ दीज डिवाइसेस। अब ये डिवाइस क्या है, ये है डीपीएन। अभी तक मैंने वीपीएन की बात करी, ये है डीपीएन जिसको कि डिवाइस वीपीएन आप लोग कह सकते हो। ये डिवाइस के पीयर टू पीयर नेटवर्क्स का उपयोग करता है जिससे कि डाउन टाइम काफी कम होता है, स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है, प्लस इसको मैनेज ये कंपनी काफी बढ़िया तरीके से करती है। एंड एट द सेम टाइम आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो सिंगल वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद, जो कि एक्चुअल में डेटा एक्सचेंज करेगा इनके फास्ट सर्वर से, एंड इन टर्न ये सप्लाई करेगा इंटरनेट आपके बाकी डिवाइसेस को। तो एक तरह से कह लो एक तीर से दो निशाने आप लोगों के लग जाते हैं। इसको
पॉकेट में रखना भी बेहद आसान है। इतना छोटा सा डिवाइस है ये, अगर आप लोग देख सकते हैं तो। कंपैरिजन के तौर पे बताऊं तो ये मेरा फोन है और ये डिवाइस है, आप देखो, आशा करता हूं साइज कंपैरिजन आप लोग कर पा रहे होंगे। तो साइज मैटर्स गाइस, क्योंकि आप लोग इसको पॉकेट में डालोगे, ट्रैवल कर रहे होगे, इतना बड़ा सा राउटर सा मैं आपको दे दूं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। अब वीपीएन की सुविधाओं के साथ साथ ये डिवाइस आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें भी देता है जो कि आप लोग शायद किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, या फिर आपका जो राउटर का मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो आप लोगों को देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कभी कभी चाहते हो कि कुछ सर्विसेज को एक पर्टिकुलर रीजन से एक्सेस करो, उसी के साथ साथ मे बी आप अनोइंग जो पॉपअप वाले एड्स होते हैं उनको ब्लॉक करना चाहते हो, या फिर आप लोग चाहते हो कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रैक ना किया जाए, आपको इतने कुकीज ना खिलाए जाए जो कि आपकी सेहत के लिए खराब हो। अब अगर मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूं तो पहला फीचर है फास्ट स्पीड। इसको कनेक्ट करने के बाद जो स्पीड है वो काफी फास्ट हो जाती है, क्योंकि ये पीयर टू पीयर नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। मोस्ट ऑफ द वीपीएन सेंट्रलाइज सर्वर पर डिपेंड करते हैं और ये जो है पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू आप लोग को काफी अच्छी स्पीड दे देता है। ये काफी रिलायबल भी होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये सिर्फ एक सर्वर पर निर्भर नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द वीपीएन आपके एक सर्वर पर निर्भर होते हैं, अगर वो डाउन हुए तो मे बी आप इंटरनेट यूज ना कर पाए, या फिर आपको किसी दूसरे वीपीएन नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ जाए। उसी के साथ साथ इसमें एक बिल्ट इन फायरवॉल होती है जो कि आपको अच्छी प्रोटेक्शन दे देती है, अगर आप लोग एक एडिशनल सिक्योरिटी वॉल एड करना चाहते हैं अपने नेटवर्क में। तो इसको वेब 3 इंटरफेस के गेटवे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यार अब एक काम करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। इसको मैं भी कनेक्ट करने वाला हूं अपने कंप्यूटर से, और कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद आप लोग को दिखाऊंगा किस तरह से ये जो इसके पीछे लिखा हुआ है ना एडमिन इंटरफेस, उसको देखेंगे किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है, और एक्सेस करने के बाद कितने सारे फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं और वो किस तरह से आप लोगों के लिए एक्चुअली यूजफुल हो सकते हैं। तो मैंने इसको अपने कंप्यूटर पर कनेक्ट कर लिया, और इसको सेटअप करने का पहला जो स्टेप है वो है कि आप लोग जाए 34.34.34.34 पे, और आप लोग जैसे कि यहां पर देख सकते हो मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। तो इसका यूजर नेम भी एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन है, जो कि मैंने डाल दिया, और मैं हो चुका हूं डैशबोर्ड पे लॉगिन। अब ये एक वाईफाई नेटवर्क बनाता है, यानी कि आप लोग अगर इसको दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये एक वाईफाई नेटवर्क जो है यहां पर बना देता है, जिसका नाम है डीपर वाईफाई 9920, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये मुझे यहां पर दिखा भी रहा है। अब यहां पर मैं आपको वाईफाई पासवर्ड इसका दिखा देता हूं, आई लव डीपर है, तो मैं इस वाईफाई पासवर्ड को डालकर इससे कनेक्ट कर सकता हूं। मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था कि आप लोग इसको एक फोन के चार्जर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये पावर ड्रॉ करके खुद डीपर वाईफाई नाम का वाईफाई SSID ट्रांसमिट करने लग जाएगा। तो आप लोग जैसे ही स्कैन पर कनेक्ट करते हैं ये आपके जितने भी वाईफाई नेटवर्क्स हैं उनको डिटेक्ट कर लेता है, और आप लोग इनको कनेक्ट कर सकते हैं अपना वाईफाई पासवर्ड डाल के। तो मैं यहां पर अपना वाईफाई पासवर्ड डाल दूंगा, और आप लोग देखो कि मैं यहां पर कनेक्टेड सक्सेसफुली हो गया हूं, यानी कि मैंने डीपर को कनेक्ट कर दिया है अपने इस वाईफाई से। और इस इमेज पे आप लोग देख सकते हो कि जो डीपर का वाईफाई है वो मेरे वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है, और अब मैं यहां से इंटरनेट को एक्सेस कर सकता हूं। तो देखो यहां पर मुझे पूरा डैशबोर्ड इसने दिखा दिया, और यहां पर कितना परसेंट मैं इस डिवाइस की मेमोरी यूज कर रहा हूं ये मुझे बताया जा रहा है, कितना मैंने अपलोड किया, डाउनलोड किया, ये सब बताया जा रहा है। यहां पर डीपीएन के फीचर्स है, जैसे कि आप लोग इसको तीन मोड्स में इस्तेमाल कर सकते हो, स्मार्ट रूट, फुल रूट या फिर डिसेबल्ड। स्मार्ट रूट में ये फास्टेस्ट आपको इंटरनेट स्पीड देता है, फुल रूट में किसी भी कंट्री से आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में तो वो आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऐप रिलोकेटर इनका फीचर है, जैसे कि अगर आप लोग नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं नॉर्थ अमेरिका का कैसा दिखता है, तो आप यहां पे देख सकते हैं Netflix.com जैसे मैं लिखूंगा तो आप लोग देखो नॉर्थ अमेरिका में जो Netflix है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसी के साथ साथ बाकी की सर्विसेज जैसे कि प्राइम वीडियो वगैरह अगर आप लोग देखना चाहते हो कि किस तरह से दिखता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके प्राइम वीडियो को सेट कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर amazon.co.uk लिख कर आ गया है। इन अ सिमिलर वे आप लोग और भी वेबसाइट्स को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक रियल यूज केस बताना चाहता हूँ एड ब्लॉकर का। तो मैंने यहाँ पर जो एड ब्लॉकर है उसको ऑन कर रखा है, यानी कि अगर मेरे पास बहुत ही अननेसेसरी पॉपअप एड्स आते हैं तो वो अब नहीं आएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भी फाइल को डाउनलोड करने जाते हैं तो एक्चुअल डाउनलोड लिंक पर क्लिक ना करने की बजाय हम ऐड पर क्लिक करते हैं, जो कि इंटर्न 5-6 और पॉपअप्स फायर कर देता है, और ऐसा आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो ये चीज जो है आप लोगों को इससे बचाती है। तो कुछ भी अगर आप लोग ऐसी चीज डाउनलोड करते हैं जिसमें आप लोगों को लगता है कि यार डाउनलोड लिंक कहाँ है मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो वो प्रॉब्लम ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करके आपको देगा, और उसी के साथ साथ आपको बताएगा कि कितने इसने यहाँ पर ट्रैकर्स, मालिशियस एड्स, ये सब चीजें ब्लॉक करी है। फिर इसके बाद HTTP एड्स का भी ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और HTTPS फिल्टरिंग को इनेबल करने के लिए आपको इसको चेक करना पड़ता है, उसके बाद इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके एक्चुअल में इंस्टॉल करना पड़ता है लोकल मशीन में, और इसके सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक डीपर GPT भी है, जो कि एक असिस्टेंट है जो कि आप लोगों को डीपर के प्रोडक्ट के साथ गाइड करता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है AI just bought Deeper Connect Air, help me with some cool features, और यहाँ पर जो AI है वो सोच रहा है, और ये यहाँ पर कुछ
फीचर्स जो है वो बता रहा है मुझे, तो इसको मैं एक्सप्लोर अभी फ्यूचर में और भी करने वाला हूँ। आई जस्ट स्टार्टेड यूजिंग इट टू बी ऑनेस्ट, एंड जो इसके फीचर्स हैं वो मैंने आप लोगों को बताए। आप लोग को इसका सबसे बढ़िया फीचर कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस, इन अ नटशेल, जो डीपीएन होते हैं वो ट्रेडिशनल वीपीएन के मुताबिक एक काफी अच्छी प्राइवेसी, तेज स्पीड, उसी के साथ साथ आप लोगों को कुछ और फीचर्स जैसे कि आप अपने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो इसके वाईफाई से, और उसी के साथ साथ आप लोग इसके इनबिल्ट सॉफ्टवेयर फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। वीपीएन में ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। वीपीएन का काम सिंपल होता है कि यार आपको सेफ ब्राउजिंग करनी है, वीपीएन से कनेक्ट करो, ब्राउजिंग करो, दैट्स इट। डीपीएन काम करते हैं ट्रैफिक को डिवाइसेस के पीयर टू पीयर नेटवर्क से कनेक्ट करके। इसे थर्ड पार्टीज के लिए ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है और आप लोगों को एक सिक्योर ब्राउजिंग का एनवायरनमेंट मिलता है। जो डीपीएन होते हैं वो वीपीएन के मुताबिक काफी तेज स्पीड इनकी होती है, क्योंकि यार ये एक सेंट्रलाइज सर्वर पर निर्भर नहीं होते हैं वीपीएन की तरह। उसी के साथ साथ जैसे कि हमने बात की थी, इसमें फायरवॉल की प्रोटेक्शन होती है। अब जो फायरवॉल की प्रोटेक्शन है वो आप लोगों को अननेसेसरी अटैक से बचाती है, जैसे कि बहुत बार आप लोगों के राउटर पे डीडोस अटैक किया जा सकता है, आप लोगों के नेटवर्क के अंदर हैकर्स घुसने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक फायरवॉल होगी, एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर होगी, तो आपका नेटवर्क काफी प्रोटेक्टेड रहेगा, खास करके जब आप लोग पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं जिस पे आपको भरोसा ना हो, आपकी इन्फॉर्मेशन को आपके जानने वाला ही मे बी ट्रैक करना चाहता हो और आपको पता भी ना चले। तो यार मैं आने वाले टाइम में इस डिवाइस को यूज करने वाला हूं, मे बी आप लोगों को इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दूंगा, मुझे यूज करके कैसा लगा, क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए, उसी के साथ साथ क्या आपको इनमें से एक डिवाइस ऑन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका जो प्राइस वगैरह है उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में डाल दूंगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या एक्चुअल में ये हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। मैं इसको इस्तेमाल करके इसके कुछ फीचर्स में भी और निकाल के आप लोगों को फ्यूचर में बताऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।